पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के द्वारा क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन्स को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप चौक मुरादाबाद पर गमले और ध्वज क्षतिग्रस्त करने की शिकायत की गई और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। दरअसल महाराणा प्रताप चौक पर क्षत्रिय समाज के द्वारा प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसके सौंदर्यकरण और पर्यावरण सुरक्षा हेतु पेड़ पौधे गमले भी लगाए गए हैं, लेकिन देर रात कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा स्मारक में तोड़फोड़ की गई और भगवा ध्वज भी तोड़ दिया गया। महाराणा प्रताप चौक क्षत्रियों के समस्त हिंदू समाज का आस्था का स्थल भी है। इस तरह की तोड़फोड़ असामाजिक तत्वों के द्वारा की गई, उसकी क्षत्रिय समाज के लोगों ने निंदा करते हुए CCTV फुटेज की जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। आज हम सभी लोग क्षत्रिय महासभा के सभी सज्जन एकत्रित हुए हैं यहाँ पर, और जो प्रकरण हुआ था, जो राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप चौक मुरादाबाद में क्षत्रियों के साथ साथ सभी हिंदू समाज के दार्शनिक स्थल है, उनकी आस्था का केंद्र है, उस पर कल रात्रि किन्हीं असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की गई थी। वहाँ पर जो सौंदर्यकरण के लिए क्षत्रिय महासभा द्वारा गमले और पुष्प लगाए गए थे, उनको तोड़फोड़ की गई है। उसके साथ ही साथ राष्ट्रनायक के मूर्ति में भाला जो लगा हुआ है, उस भाले का पिछला सिरा तोड़ा गया है, और उसके साथ साथ वहाँ पर जो ध्वजा लगी हुई थी भगवा ध्वज, वो ध्वजा ले गए और वहाँ पर डंडी छोड़ गए हैं। मतलब काफ़ी तोड़फोड़ की गई है, उसी का विरोध प्रदर्शन आज हमने किया है महाराणा प्रताप चौक पर, और क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन मुरादाबाद के लिए इसी के संबंध में हम ज्ञापन देने आए हैं। और हमारी मांग है सभी समाज की कि जो हमारी आस्था का केंद्र है, किसी ने भी वहाँ पर ये तोड़फोड़ की है, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, और जिससे कि शांति व्यवस्था कायम रहे। मुरादाबाद के विभिन्न संगठनों द्वारा आज धरना प्रदर्शन भी किया गया है और यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है, तो मुरादाबाद प्रशासन से हमारी यही शिकायत है कि वो आए, इसकी CCTV फुटेज लगे हुए हैं। इतना व्यस्तम चौराहा है कि लगभग वहाँ 15 से 20 पुलिसकर्मी प्रशासन के, ट्रैफिक पुलिस के हर समय रहते हैं, जो कि 24 घंटे शायद वहाँ पर ड्यूटी देते हैं। उनसे पूछताछ की जाए, वहाँ जो CCTV लगे हैं उनमें देखा जाए, और जो हिंदुओं के आस्था का केंद्र है महाराणा प्रताप की राजनायक, उनकी मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने वाले को पकड़कर सख्त से सख्त सजा दी जाए।